यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग भाई? आप अच्छे हो गए तो हम आ गए एक और न्यू वीडियो एडिटिंग के साथ। तभी आपने अगर प्रीव्यू नहीं देखा है तो प्रीव्यू का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हो। जो कल का वीडियो था वही प्रीव्यू है, तो उसी को हम बनाने वाले हैं। उसी को बनाने के लिए सिंपली आपको सबसे पहले आपको यूट्यूब का वीडियो पर चले जाना है। जो आप वीडियो देख रहे हो सिंपली से उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना। जैसे कि हम मान लीजिए इस वीडियो को ले लेते हैं, जो आप वीडियो देख रहे हो वही वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है। जाने के बाद यहाँ से सिंपली नीचे आ जाना है। यहाँ नीचे आने के बाद सिंपली आपको यहाँ सॉन्ग बिटमार्क नाम के कुछ एक तो यहाँ लिंक दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। ये लिंक है, इस पर क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली कुछ इस तरह से यहाँ खुल जाएगा, यहाँ ड्राइव में आ जाएगा, गूगल ड्राइव में। यहाँ आने के बाद सिंपली यहाँ जो डाउनलोड का आइकन है इस पर क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद सिंपली यहाँ से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद डाउनलोड एनी जो यहाँ डाउनलोड एनी वे है इस पर क्लिक कर देना है। इतना हो जाने के बाद सिंपली यहाँ से कुछ इस तरह यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से देखिए डाउनलोड अगेन पे करके यहाँ से ऊपर डाउनलोड होकर आ जाएगा। यहाँ उसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ से शेयर वाला आइकन पे क्लिक करना है और राइट मोशन में एक्सपोर्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ से बैक आ जाना। बैक आने के बाद सिंपली कुछ इस तरह से बैक आ जाना। बैक आने के बाद नीचे सॉन्ग का लिंक दिखेगा, तो सॉन्ग को यहाँ से सॉन्ग क्लिक करना है। सॉन्ग के लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सिंपली फिर से उसी तरह डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करके सॉन्ग को डाउनलोड कर लेने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इस ये वीडियो को बनाने के लिए हमें लाइट मोशन का यूज़ करने वाला है, तो लाइट मोशन का लिंक यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है। आप यहाँ से लाइट मोशन का डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर आप प्ले स्टोर से, हाँ प्ले स्टोर में मौजूद है, वहाँ से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। और भी कुछ इमेज चाहिए तो इमेज का लिंक भी देख लीजिए, यहाँ पे है। यहाँ से आप इमेज को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सिंपली इतना हो जाने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिंपली आपको लाइट मोशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली कुछ इस तरह से यहाँ से खुल जाएगा। यहाँ खुलने के बाद सिंपली यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ से 960 का फ्रेम लेना है ये जो, और क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ से फिर से आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। मीडिया पर जाना है। यहाँ से जिस इमेज पर आप वीडियो बनाना चाहते हो सिंपली से आप उस इमेज को ले लेना है। किसी एक इमेज को लेने के बाद प्लस यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना है। इतना जाने के बाद आपको इमेज को सेंटर में कर लेना है अपने हिसाब से। सेंटर में करने के लिए सिंपली इमेज के लेयर पर क्लिक करना है या मूव एंड ट्रांसफर पर आना है। यहाँ से देखिए आप इमेज को इधर उधर कर सकते हो, अपने आप से मूव कर सकते हो। यहाँ से आने के बाद यहाँ थर्ड वाला आइकन पर क्लिक करना है और इमेज को इस तरह से जूम जूम और इन कर सकते हो। यहाँ से सब अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इतना हो जाने के बाद यहाँ शेयर वाला आइकन पर क्लिक करना है, करंट फ्रेम पर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद सिंपली ये जो सेव का बटन आएगा यहाँ पे, इस सेव के बटन पर क्लिक करके इमेज को सेव कर लेना है। इमेज को सेव करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इमेज के लेयर पर क्लिक करना है और इमेज को डिलीट कर देना है। इतना जाने के बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। मीडिया पर जाना है, यहाँ से कोई और एक इमेज लेना है। लेने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ इमेज पूरा लग जाएगा। यहाँ लगने के बाद सिंपली आपको शेयर वाला आइकन पर क्लिक करना है, करंट फ्रेम पर क्लिक करना है, एक्सपोर्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इमेज को 960 में क्रॉप कर लेना है, क्रॉप करके सेव कर लेना है। तो सिंपली यहाँ से आप सेव कर लीजिएगा, हम एक एक करके बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम पहले से 960 में क्रॉप करके रखें इमेज को। तो सिंपली इतना हो जाने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ से नीचे प्रोजेक्ट का आइकन दिखेगा, तो प्रोजेक्ट के आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ जो आप अभी प्रोजेक्ट बनाए थे उसे सिंपली से डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद आपने जो लाइट मोशन में जो आप फाइल को एक्सपोर्ट किए थे सिंपली यहाँ आपको कुछ इस तरह से मिर्ची मिर्ची करके नाम से आ जाएगा। तो सिंपली इस फाइल को ओपन कर लेना, एक ही फाइल है तो कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा। तो सिंपली से आपको इस फाइल को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सिंपली कुछ इस तरह से यहाँ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ लेयर है, इन लेयर में आपको इमेज को लगाना है। इमेज को लगाने से पहले सिंपली आपको यहाँ आगे जाना है। आगे आने के बाद सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ऑडियो पे जाना है और आप जो इमेज डाउनलोड कर रहे हैं सिंपली यहाँ से लगी ले। तो सिंपली मेरा यहाँ सॉन्ग लगा हुआ है तो आप सॉन्ग को लगा लीजिएगा। सॉन्ग को लगाने के बाद सिंपली आपको कुछ इस तरह यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली से आपको यहाँ से कुछ आगे जाना है, जहाँ से यहाँ देखिए कुछ 14 मिनट तक, यहाँ 14 सेकेंड तक आ जाना है, 14:21 पास। यहाँ आने के बाद यहाँ आपको छोटे छोटे लेयर दिखेंगे, इन छोटे लेयर में आपको इमेज को लगाना है। तो आप इमेज दो तरह से लगा सकते हो, या तो इन सभी लेयर में अलग अलग इमेज लगा सकते हो, या फिर यहाँ से देखिए यहाँ जो है डबल बीट मार्क है और यहाँ पे डबल बीट आया है, तो इन दोनों के बीच में आप सेम इमेज को लगा सकते हो। तो फिर यहाँ आगे जाना है, फिर यहाँ देखिए यहाँ से डबल, यहाँ डबल बीट मार्क है, यहाँ डबल बीट मार्क है, यहाँ से भी सेम इमेज को लगा सकते हो। तो कुछ इस तरह से आप चाहो सिंगल या अलग अलग लगा सकते हो, या फिर सेम इमेज को लगा सकते हो। चाहो तो इन डबल बीट मार्क के बीच में अलग अलग इमेज की भी लगा सकते हो और सेम इमेज को भी लगा सकते हो। तो सिंपली यहाँ से फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद सिंपली यहाँ इमेज के लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, स्टार के आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ से जो आपने 960 में इमेज को क्रॉप किया था सिंपली उस फाइल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ से कोई एक इमेज लेना है। इमेज लगने के बाद सिंपली कुछ इस तरह से यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ लग जाने के बाद सिंपली आपको यहाँ से आगे आने के बाद सिंपली आपको यहाँ सेकंड वाला लेयर है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, स्टार के आइकन पे क्लिक करना है और फिर से हम वही सेम इमेज को लगा रहे हैं। आप चाहो तो अलग लगा सकते हो या सेम, आपको तो हम बता ही दिए हैं। तो सिंपली यहाँ से फिर से वही इमेज को ले लेना है।
इमेज को लेने के बाद ये डबल बीट मार्क से और ये डबल बीट मार्क के बीच में हम सेम इमेज को लगाने वाले हैं। अब चाहो तो अलग भी लगा लीजिएगा। तो हम सिंपली यहाँ से करंट फिल पे क्लिक करना है, यहाँ से वही सेम इमेज को लेना है, कुछ इस तरह से लगा लेना है। लगाने के बाद सिंपली आपको फिर से आगे आ जाना, आगे आने के बाद फिर से कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, स्टार के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से सेम इमेज को लेना है, प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है, कुछ इस तरह यहाँ लग जाएगा। लगने के बाद आपको यहाँ तीन ग्रुप के लेयर दिखेंगे, इन दोनों बीट मार्क के बीच में जो डबल बीट मार्क है, इन दोनों डबल बीट मार्क के बीच में आपको तीन ग्रुप के लेयर दिखेंगे। तो सिंपली आपको फर्स्ट ग्रुप के लेयर पे क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, यहाँ पे यहाँ आ जाइए, कुछ इस तरह से यहाँ खुल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा इधर उधर, बस खुल जाएगा। खुलने के बाद सिंपली आपको यहाँ एक ग्रुप का लेयर दिखना है, तो ग्रुप का लेयर को छोड़ देना है, उसके नीचे एक इमेज का लेयर दिखेगा, तो उस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, स्टार के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से कोई और इमेज लेना है। लेने के बाद सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है, और ध्यान रहे आपने जो 900 सिस्टम में इमेज को क्रॉप किया था सिर्फ वही इमेज को यहाँ लगाना है। तो सिंपली यहाँ से और जाने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है, बैक आने के बाद सिंपली आपको फिर से यहाँ आ जाना है जहाँ तक अपनी इमेज को लगाया है। यहाँ आने के बाद सिंपली आपको फर्स्ट वाले ग्रुप के लेयर में इमेज को लगा लिया, तो सिंपली सेकेंड वाले ग्रुप के लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडिट ग्रुप पे जाना है, यहाँ भी आपको एक ग्रुप का लेयर दिखेगा और एक इमेज का, तो सिंपली इमेज वाले लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, स्टार के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से वही सेम इमेज को जो अभी इससे पहले लगाए थे वही सेम इमेज को ले लेना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। अगर आप डिफरेंट टाइप का लगा रहे हो तो आप डिफरेंट टाइप का ही अलग अलग इमेज को लगाना है। तो सिंपली यहाँ लगाने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है, बैक आने के बाद फिर से आपको यहाँ आगे जाना है, आगे आने के बाद थर्ड वाला ग्रुप के लेयर पे क्लिक करना है और एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, यहाँ आपको फिर से वही सेम ही जो आपने रूल पहले फॉलो किया था उसी को यहाँ फॉलो करना है, नीचे वाले ग्रुप के लेयर पे क्लिक करना है, सॉरी ग्रुप का लेयर इमेज का लेयर पे क्लिक करना है, और कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, स्टार के आइकन पे क्लिक करना है, और वही सेम इमेज को लेना है, प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है, तो कुछ इस तरह से इमेज लग जाएगा। तो यहाँ लगने के बाद सिंपली आपको यहाँ से बैक आ जाना है, बैक आने के बाद फिर से आपने जहाँ से इमेज को लगाया था वहाँ पर आ जाना है, कुछ यहाँ तक इन तीनों ग्रुप के लेयर में इमेज को लगा लिए। इमेज को लगाने के बाद सिंपली आपको यहाँ फिर से देखिए डबल बीट मार्क दिख रहा है, तो यहाँ से आप चाहो तो आप इमेज को चेंज कर सकते हो लगाना। तो सिंपली यहाँ से हम इस लेयर पे क्लिक कर लेना, डबल बीट मार्क वाले जो लेयर है सिंपली से इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, स्टार के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ से हम इमेज को चेंज करने वाले हैं, तो दूसरे इमेज को ले लेते हैं, प्लस के आइकन पे क्लिक कर देते हैं, सिंपली कुछ इस तरह से यहाँ इमेज लग जाएगा। तो इमेज लगने के बाद सिंपली आपको यहाँ से आगे जाना है, आगे आने के बाद आपको इन सभी में लगा लेना है इमेज। इमेज लगाने के बाद सिंपली कुछ इस तरह से आपको आगे जाना, आगे आना है, यहाँ तक आपको सेम चाहो सेम इमेज को लगा सकते हो, डबल बीट मार्क तक कुछ यहाँ तक, यहाँ तक लास्ट वाले इमेज पे लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, यहाँ से वही सेम इमेज को लेके प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है, आप यहाँ लगा लीजिएगा। हम एक एक करके बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सिंपली इतना हो जाने के बाद सिंपली यहाँ डबल बीट मार्क आगे आना है, यहाँ से आपको इमेज को चेंज कर लेना है, सिंपली कुछ इस तरह से यहाँ चेंज करके कोई और सा इमेज लेना है, प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है, तो कुछ इस तरह यहाँ से लग जाएगा। तो लगने के बाद सिंपली यहाँ से आगे जाना है, तो इनमें आप लगा लीजिएगा यहाँ, तो कुछ इस तरह पे जितने भी इमेज के जो लेयर दिख रहे हैं सभी में लगाते जाना, लगाने का आपको यहाँ एक और ग्रुप का लेयर दिखेगा, तो सिंपली यहाँ जो डबल बीट मार्क है तीन या चार लगा सात डबल बीट मार्क है, तो यहाँ एक और ग्रुप का लेयर दिखेगा कुछ 27 पास। यहाँ आने के बाद यहाँ ग्रुप एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देना है, ग्रुप के लेयर पे क्लिक करके एडिट ग्रुप पे क्लिक कर देना है, जो यहाँ यहाँ आपको कुछ चार लेयर दिखेंगे, तो चार लेयर में अलग अलग इमेज को लगाना है, तो सिंपली नीचे वाले लेयर पे क्लिक करना है, अगर नीचे वाले चाहो पे अगर नीचे वाले आप चाहो तो नीचे वाले लेयर पे इमेज को नहीं भी लगा सकते हो, तो सिंपली हम लगा देते हैं, आप चाहो तो लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, कलर एंड फिल पे क्लिक करके स्टार के आइकन पे क्लिक कर देना है, यहाँ से कोई एक इमेज लेना है, प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है, तो कुछ तरह यहाँ लग जाएगा। नीचे वाला जो लेयर है इमेज का वो ब्लर हो जाएगा, तो ब्लर करने के आपको अगर ब्लर को बढ़ाना है तो सिंपली नीचे वाले इमेज का लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे आना है, यहाँ आने के बाद आपको बॉक्स ब्लर नाम के यहाँ एक दिखेगा, तो यहाँ से क्लिक करके आप ब्लर को बढ़ा सकते हो। तो सिंपली इतना हो जाने के बाद इतना कर लीजिएगा आप, इतना हो जाने के बाद आपको जहाँ ऊपर में तीन और लेयर दिखेंगे तो सेम तीनों लेयर पर अलग अलग इमेज को लगा लेना है, और ध्यान रहे आपको तीनों लेयर पर अलग अलग इमेज को ही लगाना है, सेम इमेज को नहीं लगाना है। तो सिंपली यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ इमेज को सभी में अलग अलग इमेज को लगा लेना है, कुछ इस तरह यहाँ देखिए लगाते जाना है, ऊपर वाले लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, स्टार के आइकन पे क्लिक करना है, फिर दूसरा इमेज लेना है, प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है, कुछ इस तरह से यहाँ लगाने के बाद सिंपली आपको यहाँ से बैक आ जाना है, बैक आने के बाद यहाँ तक ये लास्ट वाले ग्रुप के लेयर में इमेज को लगाने के बाद सिंपली आपको यहाँ यहाँ पे जो ये इमेज के छोटे छोटे लेयर दिख रहे हैं सभी में एक ही सेम इमेज को लगा लेना है, सिंपली फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, स्टार के आइकन पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ से कोई डिफरेंट टाइप का इमेज लेना है और यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है, तो कुछ इस तरह से जितने भी हैं सभी में इमेज को लगा लीजिएगा। इमेज को लगाने के बाद सिंपली आपको यहाँ स्टार्टिंग में आ जाना है,
स्टार्टिंग में आने के बाद यहाँ कुछ कुछ ग्रुप के लेयर हैं, जो ग्रुप के लेयर उसे ऑफ़ किया हुआ है क्योंकि लैग ना करे, अगर ऑफ़ नहीं कीजिएगा तो लैग करेगा बनाने टाइम, तो सिंपली से ऑफ़ किया हुआ है। तो ऑन करने के लिए सिंपली आई बटन के पास क्लिक कर देना है, देखिए कुछ जो लिरिक्स का जो लेयर है वो खुल जाएगा। तो सिंपली अगर लिरिक्स में आप चाहो फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट को चेंज करने के लिए सिंपली आपको ग्रुप के लेयर पे क्लिक करना है, फर्स्ट वाले ग्रुप के लेयर पे एडिट ग्रुप पे जाना है, यहाँ से आपको टेस्ट के जो लेयर है इनमें चाहो तो आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट को अगर जो अच्छा लगे आप चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने के बाद सिंपली आपको यहाँ देखिए कुछ जो जो भी ग्रुप के जो लेयर है यहाँ ऑफ किए हुए हैं सभी को यहाँ से ऑन कर लेना है। तो सिंपली कुछ इस तरह से यहाँ से इसे आई बटन के पास क्लिक करके इसे ऑन कर लेना है, तो सिंपली कुछ इस तरह से ऑन कर लीजिएगा। ऑन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से शेयर वाले आइकन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो वेट कर लीजिएगा। तो वीडियो कंप्लीट बनके तैयार हो चुका है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।